जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस दरे नौनिक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे। जपजी साहब दी सतवीं पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दी बुनियादी लालसा दा जिक्र करदे ने, चाहत दा, ख्वाहिश दा। प्राणा दे गहरे तल विच जीवन दी आस बड़ी प्रबल है, जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल है। और ये हकीकत है कि जितनी प्रबल जीवन दी लालसा होवेगी उतना ही प्रबल मरण दा भय होवेगा। एक सिक्के दे ये दो पहलू ने और एक पहलू अलग नहीं कीता जा सकता। जीवन दी जितनी वड्डी लालसा मरण दा उतना ही वड्डा भय। किसी मासूम बच्चे नू जद कोई बुजुर्ग असीस भी देंदा है ता यही कहंदा है तेरी उम्र बहुत वड्डी होवे, तू हजारां साल तक जीवे, तू बहुत वड्डी उम्र भोगे। तो बहुत वड्डी उम्र भोगना कोई असीस नहीं है, इनू आशीर्वाद नहीं समझना चाहिदा। पृथ्वी दे उत्ते ऐसे दरख्त खड़े ने जिन्हां दी उम्र 2000 साल तो भी ज्यादा है। अजगर सप कहिंदे ने बहुत लंबी उम्र रखदा है। सागर विच अनेकां ऐसियां मछलियां ने जो 500-500 साल तो भी ज्यादा जिंदा रह सकदियां ने। तो ज्यादा जीवना कोई खास मायने नहीं रखदा। सफल जीवन जीवना धर्म दा ए मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगनी ए कोई बहुत वड्याई नहीं, चंगी जिंदगी भोगनी ए वड्याई है। तो सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान है कि जीवन दी चूंके पहली लालसा वड्डी उम्र है, ज्यादा जीवना है, रोगां विच ग्रसिया होया मनुख जो दायमी रोगी है, दिन रात रोग दी पीड़ा विच बतीत हो रहा है, ओ भी जीवना चाहुंदा है। बुढ़ा हो गया है, हड्डियां दा ढांचा हो गया है, चलण दी समर्था नहीं रही, सुनन दी समर्था नहीं रही, कुवत गोयाई भी नहीं रही, सोच शक्ति भी नहीं रही, पर जीवना ओ भी चाहुंदा है। जीवन दी बहुत वड्डी प्रबल लालसा इस बुढ़े दे अंदर भी मौजूद है। और जितना प्रबल जीवन दी अंदर कोई लालसा रखेगा उतना ही मौत दे भय तो भयभीत होवेगा। तो सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने उम्र इतनी लंबी होवे, कितनी? जे जुग चारे आर जा रूहे जमीन दे उत्ते। इतनी वड्डी उम्र अज तक ते किसे दी होई नहीं, लेकिन सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने 500 वरे जीवना, हजार साल जीवना कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कोई जीवे चार युगां तक, इतनी लंबी जिंदगी किसे नू प्राप्त हो जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, एक एक युग दी उम्र भी पुराणक ग्रंथां दे मुताबक लखां साल दी है। ते हुण चार युगां दी उम्र ते काफी बनदी है, ते सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने ए होर 10 गुणा वध जाए, इतनी लंबी उम्र होवे। जे जुग चारे आर जा
होर दसोनी होए तो प्रथम लालसा जीवन दे, दूसरी लालसा मनुख दे अंदर ए आउंदी है कि हर बंदा मैनू चंगा चंगा आखे, महान आखे, हर बंदे दी जबान देते मेरी उपमा होवे, मेरी तारीफ होवे। मनुख दी बुनियादी बुखां दे चों ए भी एक बुख है। जिथे बहुत लंबी उम्र भोगना चाहंदा है, उथे ए भी चाहंदा है कि हर एक दी रसना ते मेरा जिक्र होवे, हर एक जबान मेरी तारीफ करे, मेरी उपमा दे पुल बने। तो पातशाह दा फरमान है, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोय। सिर्फ वड्डी उम्र ही ना होवे, बल्कि नौ खंड पृथ्वी दे च जाने आ जाए। किसी दी तां सिर्फ वाकफियत अपने घर दे च ही हुंदी है, घर दी चार दीवारी दे च ही लोकी जानदे ने उसनूं। इस तों ज्यादा किसे नूं कोई नहीं पता। लेकिन कुछ एक मनुख ऐसे हुंदे ने कि उनूं मोहल्ले वाले भी जानदे ने, जिस कलोनी दे च ओह रहिंदा है सारे उसनूं जानदे ने, उसदी इतनी चर्चा हुंदी है। कई दफा इस तों ज्यादा मनुख समर्थ बन जांदा है ते जिस शहर विच रहिंदा है सारे देशवासी, सारे शहर वासी उसनूं जानदे ने, सारे देशवासी उसनूं जानदे ने। और कई दफा ऐसा भी आउंदा है कि सारा संसार उसनूं जानदा है। इतनी उसदी प्रतिष्ठा हो जांदी है, इतनी उसदी जगत दे चर्चा हो जांदी है, सारे संसार विच उहदी गल चलदी है। तो पातशाह कहिंदे ने सिर्फ ए ही ना होवे कि उसकी उम्र बहुत वड्डी होवे, नौ खंड पृथ्वी विच जानिया भी जाए, नौ खंड पृथ्वी विच सारिया नूं पता भी होवे कि इस ढंग दा भी कोई मनुख है। पर साहब नाल कहिंदे ने नाल चले सब कोय, वह जिस पासे जावे उहदे नाल हामी भरन वाले सारे ही होवन। मजाले कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, उहदे नक्शे कदम ते चलण वाले होवन। जिधर ओ चले जगत उस पासे चले, जो कुछ ओ बोले जगत ओही कुछ करे। इतनी वड्डी कोई समर्था दा मालिक हो जाए, पातशाह कहिंदे ने फिर होर भी उसदे कोल खूबियां होवन। चंगा नाउ रखाए के जस की रत जग ले, इतना उसदा नाम चंगा हो जाए कि संसार दी हर जबान देते उसदी कीर्ति होवे, उसदा जस होवे, उसदी महिमा होवे। महाराज कहिंदे ने इतनियां खूबियां दा भी कोई मालिक बन जाए तां जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के, जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां अगे किसे ने गल नहीं पुछनी, भाव जीवन व्यर्थ चला गया। मनुखां दी नजरां तो उच्चा उठना आसान है, परमात्मा दी निगाह दे थल्ले आ जाना औखा है, बहुत कठिन है। जीवन दी प्रबल लालसा इस गल दा सबूत है कि जीवन देच कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है जीवन दी लालसा खत्म हो जाती है, जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है मरण दा भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप च ते भय मनुख दे अंदर इको ही है, मरण दा, होर कोई भय नहीं है। मनुख जद भी डरदा है मौत तो डरदा है, सप तो मनुख नहीं डरदा। सर्प दे अंदर छुपी हुई उसनु अपनी मौत दिखाई देंदी है, उस तो डरदा है। मनुख शेर तो नहीं डरदा, शेर दे अंदर उसनु अपनी मौत दिखाई देंदी है, इस वास्ते एक पासे हुंदा है। और अगां चलिए, मनुख दे अंदर ए जिहड़ा प्रबल भय है ए रोम रोम विच व्यापक है। इस वास्ते सियाणे कहिंदे ने कि धर्म दी मूल शिक्षा इन्हां ही दो गल्लां दे उपर खड़ी है कि जीवन दी लालसा तो उच्चे हो जाना ते मरण दे भय तो रहत हो जाना। भय ते मरण दा ही है। ते मौत शास्त्रकारां ने कई तरह दी मनी है,
आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत, सामाजिक मौत, धार्मिक मौत, शरीरक मौत, बौद्धक मौत। मौत दे इन्ने अनेकां पहलू ने। आर्थिक मौत, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है, देना सारेयां दा है, लेना किसे कोल भी नहीं। लोकी कहंदे ने इस दी ते आर्थिक तौर ते मौत हो गई, इते खत्म हो गया, अर्थ दी दुनिया देच ए मिट गया, धन दी दुनिया देच ए खत्म हो गया। तो चर्चा चल पैंदी है इहदी आर्थिक तौर ते मौत हो गई। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया, कोई दाग लग गया, जगत देच अपजस हो गया, तो आम चर्चा चल पैंदी है बे इस बंदे दी ते समाजिक तौर ते मौत हो गई है। मुड़ के इसकी प्रतिष्ठा बन सके, इहदी इज्जत मान वड्याई बन सके, गल औखी, जिस तरह मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, इस ढंग दी भी किसे वक्त समाजिक तौर ते बंदे दी मौत हो जांदी है, मुड़ के समाज देच रुतबा प्राप्त करना औखा हो जांदा है। शरीरक मौत, आमदे हुए श्वास ना आवन, चलदे हुए श्वास रुक गए, शरीरक मौत। और इसे तरीके नाल बुद्धि देच विचारां दी शक्ति ही खत्म हो गई, आमदे हुए विचार रुक गए। जैसे कि पागल है, इहदी बौद्धिक तौर ते मौत है, दिमागी तौर ते मर चुके है, शरीरक तौर ते ते जिंदा है, बौद्धिक तौर ते मुर्दा है। पागल उहदे कोल शरीर दी जिंदगी ते है, उहदे कोल बौद्धिक जीवन नहीं है, उहदे कोल दिमागी जिंदगी नहीं है। ते बौद्धिक जिस दे कोल जिंदगी नहीं है, उह ते मनुखता तो भी थल्ले चला जांदा है, बल्कि पशुआं तो भी कई दफा ज्यादा थल्ले चला जांदा है। इस वास्ते दरिंदे पशुआं तो जिथे भय लगदा है, पागल तो भी डर लगदा है, क्योंकि बौद्धिक तौर ते मरिया होया है, सिर्फ शरीरक तल दे उते जी रहा है। तो भय मरण दा है, ए मरण चाहे बौद्धिक होवे, चाहे शरीरक होवे, चाहे समाजिक होवे, और चाहे आर्थिक होवे, ते चाहे राजनीतिक होवे। समुची दुनिया दे हर देश देच ऐसे मनुख हैं, घूम रहे ने अजे भी, जिन्हां नूं वेख के लोकी कहंदे ने कि राजनीतिक तौर ते इन्हां दी मौत हो चुकी है। किसे वक्त उन्हां दी गल चलदी सी, किसे वक्त राजनीति दे आसमान ते सूरज दी तरह चमकदे सन, अज तारियां दी तरह टिमटिमाना भी नहीं है, खत्म हो गए। राजनीति दे च अज गल नहीं है, अज चर्चा नहीं है। तो कह दिता जांदा है फलाने दी राजनीतिक तौर ते मौत हो गई, खत्म हो गया। धार्मिक मौत एक रूहानी मौत भी है। गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करदे ने, आखां जीवां बिसरे मर जाऊं, ए अकाल पुरख जद मैं तेरी चर्चा करदा, तेरा जिक्र करदा, तेरी उस्तत करदा, तेरी याद अंदर चलदी है तो जिंदा रहना, ते जद नहीं अंदर याद चलदी तो मर जाना। मरणं बिसरणं गोबिंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। गोबिंद नु भुल जाना, परमात्मा नु भुल जाना, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहने मौत है, पर रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत। शरीरक तौर ते मनुख जिंदा होवे, बौद्धिक तौर ते मनुख जिंदा होवे, पर अंदर परमात्मा दा चिंतन ना होवे, तो सतपुरुष कहंदे ने ए रूहानी तौर ते मुरदा है, ए धार्मिक तौर ते मरे होया है। धर्म दी दुनिया विच ते ए बिल्कुल खत्म है, एदी कोई गल नहीं है। तो भय मौत दा है, चाहे ए मौत राजनीतिक होवे, समाजिक होवे, धार्मिक होवे, शरीरक होवे या आर्थिक होवे, भय मौत तो ही लगता है, क्योंकि मौत देच मनुख मिटदा है, खत्म होंदा है, ते खत्म होना नहीं चाहता, कारण अधूरा है। अगर पूर्ण हो जाए तो फिर मौत आनंददायक बन जाती है। भगत सिरमौर
श्री कबीर जी महाराज दा वाक, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद। मौत क्यों आनंद बन गई? क्योंकि जीवन दी लालसा नहीं रही। ते जीवन दी लालसा क्यों नहीं रही? जीवन दा जो लक्ष्य सी उदी प्राप्ति हो गई, जीवन दा जो निशाना सी उस तक पहुंच गए, जिंदगी दी जो मंजिल सी वो प्राप्त हो गई। जब टिकाणा मिल गया, घर तक पहुंच गए, ते हुण ए जिहड़ा जीवना है इस मार्ग नूं की करिए? घर ते पहुंच के मनुख मार्ग तो किनारा कश हो जांदा है, एक पासे हो जांदा है। तो जिस दिन परमात्मा दी प्राप्ति हो जांदी है, जीवन दी लालसा खत्म। ते जिथे जीवन दी लालसा खत्म, उथे मरण दा भय भी खत्म। आद काल तो लोकी कोशिश करदे रहने कि उम्र वड्डी करिए, और इस तरह दा आबे हयात, इस तरह दे कुश्ते वैद लोग बनांदे रहने जिदे नाल मनुख वड्डी उम्र भोग सके। अमर फल दी दास्ताना भी धार्मिक ग्रंथां विच मिलदियां ने, जिनू खा के बंदा अमर हो जांदा है। अमर फल लगदा है कोई बूटी कोई दवाई इस ढंग दी मनुख तलाश करदा रहे, जिस दे नाल ज्यादा दिन तक जी सके, ज्यादा दिन इस पृथ्वी देते स्वास ले सके। इस लालसा ने तरह तरह दी जड़ी बूटियां नू जन्म दिता, कुश्तियां नू जन्म दिता, आबे हयात दी तलाश करन देते मनुख नू मजबूर कीता, और अमर फल दी तलाश करन लगया मनुख ने अपनी जिंदगी व्यतीत कीती। दूजे पासे जोगी स्वासा नू रोक के बैठे ने, इस वास्ते उम्र लंबी करनी है, ज्यादा जी लई है, ते जीवना ते इस स्वास है, इस पूंजी नू बचा लई है। पूंजी नू अगर जमीन दे दफन ही कर दई है तो किसे कम दी नहीं है। ते ठीक है, पूंजी दा मनुख पूंजीपति बना रहिंदा है, लेकिन पूंजी किसे कम नहीं, ना किसे दे कम आई ना अपने कम आई। स्वासा नू रोक के जो बैठ गया है, जीवन व्यर्थ गवा रहा है, समा व्यर्थ जाया कर रहा है। लेकिन लंबी जिंदगी भोगण दी लालसा इस तरह दी साधना करन देते भी मजबूर कर दी है, और इस तरह दी साधना जे किसे दी सफल हो जाए ते साहिब कहंदे ने वो इतना जीवे जितना के चार युग ने। ते चार युग है क्यों? उस दी जिंदगी इतनी लंबी होवे कि होर दस गुणा बढ़ जाए, सारी दुनिया दे च उदा जस होवे, सारी दुनिया दे च ओ जानिया जाए। ते जिधर जावे उदे नक्शे कदम ते चलन वास्ते हर एक तैयार होवे, हर एक दी रसना दिते उसकी कीर्ति होवे, उसकी महिमा होवे। पर जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया, तां साहिब कहंदे ने अगां चल के इसकी किसी ने गल नहीं पुछनी। ते होवेगा कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस दरे। कीड़िया दे चों कीड़ा सब तो निखिद है बिष्टा दा कीड़ा। उत्तम कीड़े भी है गे ने, जैसे रेशम दा कीड़ा शैतूत दे पत्ते खांदा है, रेशम उगलदा है। उस कीड़े नू वेख के असी घिरणा नहीं कर सकते, पर जो बिष्टा दे ची रुल रहा है, बिष्टा ही खा रहा है, और बिष्टा हो गया है, कीड़िया दे चों ए निखिद कीड़ा है। तो कोई इतनी महिमा दा मालिक होवे ते परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया, साहिब कहिंदे नू कीड़िया दे च ऐसा कीड़ा बनेगा जो बिष्टा दा कीड़ा है, निखिद कीड़ा है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। इस दोषी देते तरह तरह दे दोष आयद होणगे कि तू मनुख दी नजरां तो उच्चा उठण दी कोशिश कीती, परमात्मा दी निगाह थले आण दी कोशिश ना कीती। तू झूठा सन्मान प्राप्त करन दी कोशिश कीती, तू सच्ची इज्जत मान वड्याई प्राप्त करन दी कोशिश ना कीती। अंजाम की होया? कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस दरे। पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमान करदे ने, परमात्मा दे दरवाजे हमेशा लई किसे वास्ते बंद ने,
अगर कोई द्वार ते दस्तक देवे भावे मुद्दत बाद देवे किसे वक्त भी देवे परमात्मा द्वार खोलन नू तैयार है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। वो ऐसा बख्शिंद है ऐसा दयालु है जिदे कुल कोई भी गुण ना आवे पर उसका द्वार खटखटा देवे गुणा नाल उसकी झोली भर देंदे। और एक गुण इतना महान है कि लखां रुपए दे बदले भी बाजार विच मिलेगा नहीं। सबर संतोख खेमा सील संजम और प्रभु दा ज्ञान आनंद रस बाजार विच सारी पूंजी भी खर्च करिए ते नहीं मिलेगा। पर परमात्मा ऐसा दयालु है जिड़ा उसके द्वार देते दस्तक देंदा है अपने दैवी गुणा नाल उदी झोली भर देंदा है। तो सतगुरु दा फरमान नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते जिड़े पहले तो ही गुणवान ने उना दी झोली देच होर गुण पा देंदा है। ते मनुख दी महानता गुणा करके कोई मनुख निखेद है किस तरह पहचान होवेगी औगुण ने ते कोई मनुख महान है किस तरह पहचान होवेगी उदे कुल गुण ने। कोई परमात्मा दे नेड़े चला गया किस तरह पहचान होवेगी उदे कुल गुण ने। ते गुण सारे ही परमात्मा दे ने जैसे पृथ्वी दे ते जितनी भी रोशनी है सारी दी सारी सूरज दी है। जगत दे जितने भी गुण ने सारे दे सारे गुण अकाल पुरख दे ने परिपूर्ण परमात्मा दे ने। तो साहिब कहंदे ने जिड़ा गुणवान है गुणा नाल उसकी होर झोली भर देंदा है ओ परिपूर्ण परमात्मा जिड़ा उस दे द्वार देते दस्तक देंदा है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आं गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान मैं समूह जगत दते निगाह मार के वेख लईए ऐसा दाता होर कोई भी नहीं परमात्मा वर्गी होर कोई हस्ती नहीं कि निगुणिया नु गुण दे देवे ते गुणवाना दी झोली होर गुणा नाल भर देवे आनंद नाल भर देवे। ऐसा बख्शिंद ऐसा दयालु ऐसा समग्र व्यापक परमात्मा वर्गा होर कोई भी नहीं। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे इस तरह दे गुण कोई होर दे सके परमात्मा तो इलावा मैनू होर कोई नहीं दिखाई देंदा। और वास्तविक इस सही खोज सतपुरुषां दे सामने ही आई है कि दाता केवल परमात्मा है अकाल पुरख है और वो दात दे रहा है। दात की आउंदी है जिदे बदले विच कुछ चुकाना ना पवे ते सानू मिल जाए। ए जिंदगी सानू दान विच मिली है ए हाथ ते पैर सानू दान विच मिले ने ए कुवत ए गुआई ए बोलन दी शक्ति सानू दान विच मिली है ए नेत्र सानू दान विच मिले ने सोचण दी शक्ति सानू दान विच मिली है। और कोई मनुख अपनी झोली वड्डी करे तां होर बहुत कुछ उसकी झोली विच पै जांदा है ओ देण नू हर वक्त तैयार है। दरअसल लैण वाले दी झोली छोटी हुंदी है या लैण वाला थक जांदा है देंदा दे लैण दे थक पाए लैण वाला ही थक जांदा है ओ देंदिया नहीं थकदा। ऐसा ओ दातार है ऐसा ओ परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने समग्र दुनिया दे उते दृष्टि मार के मैं वेख लिया तेहा कोए न सुजई इस तरह दा होर कोई भी नहीं जिड़ा इस तरह दे गुणा दे नाल झोली भर देवे रब्बी दैवी संपदा दे नाल माला माल कर देवे इस तरह दा दाता जगत विच होर कोई नहीं। अक्सर देखण विच आया कि बहुत दफा मंगीए भी तां भी मनुख नहीं देंदा पर परमात्मा ऐसा है कि अणमंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो। उते ऐसा बख्शिंद है उते ऐसा दयालु है अणमंगिया ही झोली च पा देंदा है। मां बाप मिल गए ने बिना मंग तो मिले ने औलाद मिल गई है बिना मंग तो मिल गई है शरीर मिल गया है बिना मंग तो मिल गया हथ पैर मिल गए ने बिना मंग तो मिल गए ने सूरज दी रोशनी
बिना मंग तो मिली है। घर जैसे बिजली जल्दी ते महीने बाद बिल दें दें, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है, मुफत दिच दे रहा है, दान दिच दे रहा है, बदले विच असी कुछ नहीं चुका रहे, तो ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है, उस नाल जे संबंध विछिन्न हो गए ने, टुट गए ने, ए मनुख दी बदकिस्मती है। ते टुटण दा इको एक कारण है, जीवन दी लालसा ते मरण दा भय। हर वक्त जीवन दी लालसा दे च रहना ते हर वक्त मरण दे भय दे च रहना। कई मनुख ते इतने भयभीत आउंदे ने कि अठे पैर उन्हां दे दिमाग चो एक गल किधरे निकलती ही नहीं कि मैं बीमार ना पै जावां, मैं मर ना जावां, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, कमाया होया धन किधरे मेरा नाश ना हो जाए। इस तरह दे नाश होण दा भय हर वक्त जो है बनिया रहिंदा है। लिहाजा जीवन दी लालसा दा बोझ दिल दिमाग देते असवार रखदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मरने की चिंता नहीं क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रित पा लई लेखे सास गिरास। ए अकाल पुरख सानू मरण दा भय नहीं रहा, क्यों जीवन दी लालसा ही नहीं रही। ए अवस्था बनती है उना भगतां दी जिन्हां नू पूर्ण परमात्मा मिल गया। परमात्मा दे मिलदिया ही जीवन दी लालसा खत्म, परमात्मा दे मिलदिया ही मरण दा भय खत्म, परमात्मा दे मिलदिया ही गुणा नाल झोली भर गई। और एक एक गुण ऐसा रस देंदा है, ऐसा विस्माद देंदा है, ऐसी समाधि विच मनुख नूं लै जांदा है जिस रस दे उत्ते, जिस आनंद दे उत्ते दुनिया दे सारे रस कुर्बान कीते जांदे ने, दुनिया दे सारे सुख कुर्बान कीते जा सकदे ने। लिहाजा इस तरह दे सुख ते आनंद नाल भगतां दी झोली हमेशा भरी रहिंदी है। साहिब कहिंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे दैवी गुणा नाल भगतां दी झोली भर देंदा है और उन्हां नूं सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देंदा है।